हेलो फ्रेंड्स, टैक्स एंड लॉ डायरेक्टरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सीए साक्षी रली, टैक्स कंसल्टेंट। इस वीडियो में हम जीएसटी एनुअल रिटर्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस करा, जीएसटी एनुअल रिटर्न से रिलेटेड 4 फॉर्म स्पेसिफाई किए गए हैं। आज के वीडियो में हम जीएसटीआर फॉर्म 9 और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एफएक्यूज डिस्कस करेंगे। जीएसटीआर एनुअल रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर फॉर्म 9 सभी टैक्सेबल पर्सन को फाइल करना है विदाउट एनी डेयरशोर लिमिट। यहाँ पर यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेंशन करना कि 2 करोड़ की डेयरशोर लिमिट जीएसटी ऑडिट के लिए डिफाइन की गई है। मीन्स अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो आपको एनुअल रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9A और जीएसटीआर 9B फाइल करना है एज पर एप्लीकेबिलिटी ऑफ फॉर्म। और अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको एनुअल रिटर्न फॉर्म के साथ जीएसटीआर 9C जो एनुअल जीएसटी ऑडिट के लिए स्पेसिफाई किया गया है वह भी फाइल करना है। कुछ पर्सन्स को स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया है जिनको जीएसटीआर 9 फाइल करने की आवश्यकता नहीं होगी। फर्स्ट, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। सेकंड, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। थर्ड, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। फोर्थ, पर्सन पेइंग टीडीएस अंडर सेक्शन 51 ऑफ जीएसटी एक्ट। फिफ्थ, कंपोजिशन डीलर के लिए एनुअल रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर 9A डिफाइन किया गया है। तो कंपोजिशन डीलर्स मींस जिन्होंने जीएसटी कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट की है उन्हें जीएसटीआर फॉर्म 9A फाइल करना है, जीएसटीआर 9 फाइल नहीं करना। पर्सन हु रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीसीएस और ई कॉमर्स ऑपरेटर, उनके लिए जीएसटीआर फॉर्म 9B स्पेसिफाई किया गया है। मीन्स उन्हें जीएसटीआर फॉर्म 9B फाइल करना है, जीएसटीआर 9 फाइल नहीं करना। जीएसटीआर 9 फाइल करने की ड्यू डेट 31 दिसंबर फॉलोइंग द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर है। अगर जीएसटीआर 9 टाइम से फाइल नहीं हो पाया तो इस केस में फर्स्ट तो लेट फी एप्लीकेबल होगी। टोटल ₹200 पर डे ऑफ डिफॉल्ट के अकॉर्डिंग लेट फी पे करनी होगी। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लेट फी पर डे कैन नॉट एक्सीड 0.25% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी अंडर सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। Second, a notice may be issued under Section 46 requiring him to furnish such return within a stipulated time. Now let's discuss some important questions related to GST annual return. First question comes, अगर taxable person ने पहले composition scheme ऑप्ट करी है लेकिन later ही switch over from composition scheme और as on 31st March 2018 उसका status regular taxpayer का है तो उसे कौन सा फॉर्म फाइल करना होगा, जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9A। इस केस में टैक्सेबल पर्सन को जीएसटीआर 9A फाइल करना होगा फॉर द पीरियड ही वाज रजिस्टर्ड एज अ कंपोजिशन टैक्सपेयर एंड फॉर रिमेनिंग फाइनेंशियल ईयर उसको जीएसटीआर 9 फाइल करना होगा। मींस इस केस में टैक्सेबल पर्सन को जीएसटीआर 9A और जीएसटीआर 9 दोनों फाइल करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, अगर टैक्सेबल पर्सन का जीएसटी रजिस्ट्रेशन 31 मार्च से पहले कैंसिल हो जाता है या फिर अगर उसकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की एप्लीकेशन 31 मार्च को पेंडिंग है तो क्या उसे तब भी एनुअल रिटर्न फाइल करनी होगी? द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज येस। एज पर सेक्शन 44(1) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट सभी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन को जीएसटीआर 9 फाइल करना होगा। हेंस अगर उसका स्टेटस 31 मार्च को नॉट रजिस्टर्ड है बट ही वाज रजिस्टर्ड बिटवीन जुलाई 17 टू मार्च 18 तो इस केस में ही शैल बी रिक्वायर्ड टू फाइल जीएसटीआर 9 प्रोवाइडिंग डिटेल्स फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच ही वाज रजिस्टर्ड। सिमिलरली अगर टैक्सपेयर ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर रखा है और उसकी एप्लीकेशन 31 मार्च को पेंडिंग है तो इस केस में भी उसको जीएसटीआर 9 फाइल करना होगा। अगर टैक्सेबल पर्सन का टर्नओवर निल है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2017-18 तो क्या इस केस में भी उसे जीएसटीआर 9 फाइल करना होगा? द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज येस। सभी टैक्सेबल पर्सन को जीएसटीआर 9 फाइल करना होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। हाउएवर फैसिलिटी टू फाइल जीएसटीआर 9 ऑन अ सिंगल क्लिक में बी प्रोवाइडेड इन सच केसेस। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स, अगर टैक्सपेयर के एक से ज़्यादा जीएसटी रजिस्ट्रेशन है इवन दो ही हैज़ अ सिंगल पैन तो इस सिचुएशन में जीएसटीआर 9 कंपनी लेवल पर फाइल होगा या फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग फाइल होगा? The answer of the question is GSTR 9 is required to be filed separately for each such GST registration. As per legal provision of section 44(1) of the CGST Act, SEBI registered person shall require to file GSTR 9. Hence, if a taxpayer has obtained a multiple GST registration, whether in one state or more than one state, it shall be treated as a distinct person in respect of each such registration as per section 25(4) of CGST Act. Hence, GSTR 9 is required to be filed separately for each such GST registration. GSTR-9 में क्या इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी. GSTR-9 इज मैरली अ कंपाइलेशन ऑफ डाटा फाइल्ड इन GSTR-3B एंड GSTR-1. GSTR-9 को रिवाइज किया जा सकेगा. द आंसर ऑफ द अबव क्वेश्चन इज दैट नो सच ऑप्शन हैज बीन प्रोवाइडेड इन द लॉ टिल नाउ. क्या अप्रैल 17 से जून 17 की ट्रांजैक्शन भी 17-18 की GST एनुअल रिटर्न में इंक्लूड होंगी. द आंसर ऑफ द अबव क्वेश्चन इज नो. In notification number 39/2018 dated 4th September 2018, it is clearly mentioned that only details for the period July 17 to March 18 are to be provided in GSTR-9. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको GSTR-9 का फॉर्मेट चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना मेल आईडी भेज सकते हैं. अगर आपका GST एनुअल रिटर्न से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन के द्वारा पूछ सकते हैं. यू कैन ऑल्सो राइट अस एट tldcdelhi@gmail.com और कॉल अस एट 0999882345.